जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक पर एक बार फिर से करारी चोट की है। सुरक्षा बलों ने आज तड़के 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ 17 जुलाई देर रात से हो रही थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ पुंछ के सिंधरा इलाके में हुई। सुरक्षा बलों को 17 जुलाई शाम को सिंधरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर यहां सर्च ऑपरेशन चलाया। रात 11:30 बजे के करीब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। 9 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। आतंकियों की घेराबंदी के लिए ड्रोन और नाइट सर्विलांस उपकरण की मदद ली गई। ड्रोन के जरिए सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बार फिर से फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग आतंकवादियों के खात्मे के साथ ही बंद हुई। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में और मध्य रात्रि के आसपास से सूरनकोट क्षेत्र में यहां पर एक आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिलता है कि यहां पर क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद एक गहन तलाशी अभियान शुरू हो जाता है और इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बल जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक पुख्ता जानकारी थी सुरक्षा बलों के पास कि यहाँ पर कुछ आतंकी छिपे थे, क्योंकि अगर हम देखें हाल फिलहाल के समय में जो ये दोनों जिले हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं जो कि नियंत्रण रेखा से सटे हुए हैं, राजौरी और पुंछ जिले, यहां पर जो है आतंकियों की गतिविधि काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए सुरक्षा बल भी काफी चौकस थे। हाल फिलहाल में यहां पर कई जो है आतंकी वारदातें भी हुई हैं, तो इसीलिए सुरक्षा बल जो है कंधे से कंधे मिलाकर यहां पर कार्य कर रहे हैं। तो कल मध्य रात्रि के आसपास सुरक्षा बलों को जैसी जानकारी मिलती है तो वहां पर एक भीषण मुठभेड़ शुरू हो जाती है। कुछ आतंकी जो इस जंगल के इलाके में छिपे हुए थे उनको जो घेर लिया जाता है, उसके बाद वहां पर गोलीबारी की आवाज भी सुनाई देती है। और आज तड़के सुबह सुबह एक बार फिर वहां पर जो है गोलीबारी की आवाज सुनाई दी और एक भीषण मुठभेड़ चल रही थी। और अब जो जानकारी आ रही है कि इस ऑपरेशन में 4 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है। फिलहाल आतंकियों की पहचान तो नहीं हो पा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि चारों आतंकी विदेशी हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तानी हो सकते हैं। भारतीय सेना के मुताबिक ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के तहत पुंछ इलाके में घेराबंदी के बाद तलाशी अभियान चलाया गया था। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 2 दिनों से सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि अमरनाथ यात्रा के बीच आतंकियों से ये मुठभेड़ काफी चिंताजनक है। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकवादी इस हाई प्रोफाइल धार्मिक यात्रा को भी निशाना बना सकते थे। जिस सिंधारा इलाके में ये मुठभेड़ हुई वो लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके में अक्सर आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। पुंछ से सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट, भारत तक।